विधान परिषद चुनाव नामांकन के आखिरी दिन सपा भाजपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सुदामा पटेल व सपा की तरफ से उमेश प्रधान ने किया नामांकन। इससे पहले बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया पर्चा दाखिल। आज नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ किया नामांकन। सपा भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के दल पर किए तीखे जुबानी हमले। एमएलसी चुनाव में सपा भाजपा ने अपनी अपनी तरफ से जीत का किया दावा। वाराणसी से जितेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन दाखिल किया, किस कितने वर्षों में? मैं दो सेटों में अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं। एक सेट हमारा हो गया, एक सेट अभी थोड़ी देर में जमा होगा। बात की जाए, क्या मुद्दा लेकर? विकास का मुद्दा सर्वप्रथम, पीछे भी समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, विकास की है, वही विकास के मुद्दे पर हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हर बार यहाँ पर एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, एक ही लोगों का कब्जा रहा है, किस तरह से उनको देख रहे हैं, किसका आप है टक्कर आप? किस तरह से उन लोगों का कब्जा रहा है आप लोग कभी बता दें, दिखा दें, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और जो आगे है, मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ, मैं हमारे साथ सारे जनप्रतिनिधि साथी हैं, सभी सम्मानित लोगों का जो है प्यार आशीर्वाद दुलार है, सभी गठबंधन के साथी हमारे साथ हैं। मैं चुनाव में हूँ, आने वाले 9 तारीख को हर वर्ग के लोग हमें वोटिंग करेंगे। मैं तीनों जिलों का दौरा कर रहा हूं और सभी लोगों का सम्मान प्यार दुलार है, सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में? भाजपा उतार दी है, अब कैसे लड़ाएंगे, क्या करेंगे, अब तो वो जानेंगे। हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम समाजवादी पार्टी की बात जानते हैं, गठबंधन की बात जानते हैं। नामांकन किया है, क्या उम्मीद है? उम्मीद जीत की है। योगी जी और मोदी जी की सरकार में हम लोग विकास की राजनीति पे काम करते हैं, विकास की राजनीति के कार्यकर्ता हैं हम लोग। निर्माण का काम जानते हैं, विध्वंस का काम नहीं जानते। लेकिन आपके खिलाफ प्रत्याशी जो है वो दो दशकों से उनका कब्जा है, किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी इससे पहले, इसलिए कब्जा है। अब लड़ी है तो अब कब्जा खत्म हो जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वाराणसी में तो आप मुद्दे बात ही नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, बगल में भदोही और चंदौली, ऐसे ही फोर लेन का सब जालों बना हुआ है। बनारस में तो विकास की राजनीति चलती है, विकास की एक गंगा बहती है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसी के मुद्दे पे हम लोग चुनाव जीतेंगे।